हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आई एम मोना, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ब्लीजर मोना। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियोस आई एम गोना टेल अबाउट एडवांस इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस एट प्लेस ऑफ वेलकम। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई आता है या किसी का स्वागत करते हैं तो हम मैक्सिमम वेलकम बोलते हैं, वेलकम। क्या हम इन वेलकम वर्ड्स की जगह कुछ नए सेंटेंस और वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते? सो आइए आज मैं आपको वेलकम वर्ड की जगह न्यू सेंटेंस और न्यू वर्ड्स जो यूज होते हैं वो आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वन इज ग्लैड टू वेलकम यू। ग्लैड टू वेलकम यू, वेलकम की जगह हम ये बोल सकते हैं ग्लैड टू वेलकम यू। इसका मीन्स होता है कि आपका स्वागत करने में मुझे खुशी हुई या खुशी हो रही है। सेकेंड, हैप्पी कमिंग होम। हैप्पी कमिंग होम हम जब यूज करते हैं, ये हैप्पी कमिंग होम जब हमारे घर कोई ज़्यादा दिनों के लिए रुकने के लिए आता है तो हम उसके लिए बोलेंगे हैप्पी कमिंग होम। नंबर थ्री, वेलकम होम। इसको हम बोलते हैं वेलकम होम, यानी हमारे घर पे आपका स्वागत है। ये है बिल्कुल वेलकम जैसा ही, बस इसमें होम वर्ड छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट नंबर फोर, हैप्पी टू हैव यू होम। हैप्पी टू हैव यू होम, ये हम बोल सकते हैं जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम उसे बोल सकते हैं। इसका मीन्स होता है कि आपको घर पे आकर, आपके मेरे घर पे आकर मुझे खुशी हुई, आपको घर पे पाकर मुझे खुशी हुई। नंबर फाइव, वी वेलकम यू। वी वेलकम यू, ये तब बोला जाता है जब चार पांच लोग किसी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और जब कोई आ रहा है तो उन चार पांच लोगों में से जो मेन व्यक्ति होगा वो आगे बढ़कर उससे बोल दे किसी गेस्ट से, वी वेलकम यू, वी वेलकम यू। नंबर सिक्स, वेल प्लीज कम। वेल प्लीज कम, ये वेल प्लीज कम एक स्लैंग वर्ड है, ये फॉर्मल वर्ड नहीं है। हम इसे इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, या ज़्यादा ही हमारा कोई प्रिय है उसके साथ हम यूज कर सकते हैं वेल प्लीज कम। इट्स मीन आइए आइए आइए। सेवन नंबर, फील इट होम। फील इट होम, इसका मीन्स भी होता है, वेलकम के लिए यूज किया जाता है फील इट होम। जब हमारे घर में कोई एंट्री करता है तो हम बोल सकते हैं फील इट होम, आइए इसे अपना ही घर समझिए। और हम इसे यूज कर सकते हैं जब हम इस किसी को ब्रेकफास्ट वगैरह या नाश्ता वगैरह सर्व कर रहे होते हैं तब हम इसे कह सकते हैं फील इट होम, इसे अपना ही घर समझिए, आराम से खाइए, फील इट होम। नंबर एट, गुड टू सी यू हियर। गुड टू सी यू हियर, इसका मीन्स होता है कि आपको यहाँ देखकर खुशी हुई, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। तो जब आपके घर कोई आता है तो आप वेलकम की बजाय ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, गुड टू सी यू हियर। नंबर नाइन, योर वेलकम। योर वेलकम, वेलकम की जगह हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, योर वेलकम, योर वेलकम। नंबर टेन, यहाँ योर का मतलब यू आर है, ना कि योर, यू आर। नंबर टेन, योर विजिट मेड मी हैप्पी। योर विजिट मेड मी हैप्पी, यानी योर विजिट, आपके विजिट ने मुझे खुश कर दिया, आपके आने ने मुझे खुश कर दिया। नंबर इलेवन, थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट। थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट, ये हम तब बोलते हैं जब हमारे किसी ऑफिस से या कोई हमारा बॉस जो हमसे ओहदे में बड़ा है या ऑफिस का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तब हम इसे यूज कर सकते हैं, थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट। और इस सेंटेंस को उसके जाते समय भी यूज किया जा सकता है, थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट। नेक्स्ट, इट्स माई प्लेजर टू सी यू हियर। इट्स माई प्लेजर टू सी यू हियर, इट्स मीन कि आपको यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। तो आप वेलकम की बजाय ये सेंटेंस बोल सकते हैं, इट्स माई प्लेजर टू सी यू हियर। नेक्स्ट, कम इन, होम इज वेटिंग फॉर यू, यानी आपके दरवाजे पर कोई खड़ा है कोई गेस्ट, देन यू कैन से कम इन, होम इज वेटिंग फॉर यू, अंदर आइए हमारा घर आपका इंतजार कर रहा है। आप फोन कॉल पे भी बोल सकते हैं बट आपको यहाँ से इन हटाना पड़ेगा, प्लीज कम, होम इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट 15, हैप्पी विजिट। हैप्पी विजिट, ये हैप्पी विजिट छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है, जब आपके यहाँ छोटा बच्चा कोई गेस्ट के रूप में आ रहा है और आप उसे कह सकते हैं हैप्पी विजिट। और अगर आप उसे कोई वेलकम गिफ्ट दे रहे हैं तो आप उसके गिफ्ट पे भी लिख सकते हैं हैप्पी विजिट। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट्स फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।